कश्यप, और आज के टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है एलोवेरा। और इस पे आज जो मैं बताने वाली हूँ एलोवेरा के साथ, वो हम करेंगे हेयर केयर, जिसमें शामिल है एक ज़बरदस्त सा हेयर ऑयल, जिससे आपके बाल लंबे घने मजबूत होंगे, डैंड्रफ फ्री रहेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे हेयर ज़बरदस्त सा हेयर ग्लॉसेस, बालों में जो बेजान हो जाते हैं, जान नहीं रहती, ड्राई डैमेज हेयर हो जाते हैं, कोई ग्लॉस नहीं होता, कोई शाइन नहीं होता। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ज़बरदस्त सी हैं, और आप जो हैं वो खुद हैरान रहेंगे कि सिर्फ एलोवेरा से आप ये चीज़ें घर में रहते हुए बना सकते हैं। आइए देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, हम एलोवेरा को मैंने ये साइड से कट कर लिया है, और अब मैं इसका जेल निकालूंगी। ऐसे सेंटर से आप एक कट कर लीजिए और फिर हम इसका जेल निकाल देंगे। बहुत इजी होता है निकालना, और बस अब इसको हम स्कूप आउट करेंगे स्पून से। को वॉश अच्छी तरह करना है, देखिए कहीं से भी कोई भी ब्राउन मैटर मौजूद नहीं है। और ये ऑयल बेसिकली हेयर रीजनरेशन के लिए, दो मुंह बालों के लिए जिनका स्कैल्प आगे से खाली होना शुरू हो गया उनके लिए बेहतरीन है। और जब आप इसको यूज करेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इससे हेयर थिकनिंग कितनी तेजी से हो रही है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। लेट्स स्टार्ट इट। ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे कलौंजी का तेल। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अबाउट 4 स्पून। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी ऑलिव ऑयल अबाउट 4 स्पून। एक्स्ट्रा वर्जिन लिया है मैंने यहाँ पर। फिर मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना, चार चम्मच मेथी दाना मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। निकाला है प्लेट में, इसको हम शामिल कर देंगे। हाफ जेल में शामिल कर रही हूँ, पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं इसमें शामिल करूंगी रोज मेरी ऑयल। अगर रोज मेरी ऑयल ना मिले तो आप डायरेक्ट रोज मेरी डाल सकते हैं, 15 से 20 का तेल। आंच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। मिनट्स के लिए इसको हम 15 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे ये पकता रहेगा ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें निकल जाएं। एलोवेरा का जेल इसमें हमने शामिल किया हुआ है। जब ये पक जाएगा इसके बाद हम इसमें इसको हम छान लेंगे और बॉटल में रख लेंगे। डार्क कलर की बॉटल हो ज़्यादा बेहतर है, नहीं अवेलेबल आप नॉर्मल बॉटल में भी रख सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा झाग बनना शुरू हो गया, और ये जेल जो है वो इस तरह पक जाता है, बिल्कुल सूख गया है जेल। इस टाइम पे अब हमने चूल्हा बंद कर देना और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, इस तरह के कपड़ा मिलता है या हम कोई मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, ये शॉपिंग बैग वगैरह के साथ आता है या पर्सेस वगैरह में होता है। इसको जो है ये बहुत थिन होता है, इससे छनता बहुत अच्छा है। आपने छान लेना है ठंडा होने के बाद। अब इस पॉपर पे मैंने चूल्हा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी जिंक 10 मिलीग्राम की टेबलेट्स, तकरीबन 10 से 15। जिंक के बाद मैं शामिल करूंगी बायोटिन की कैप्सूल, ये भी तकरीबन 10 से 15। आप कोई सी भी ब्रांड ले सकते हैं, और इसी गरम उसमें जब डालेंगे तो ये खुद ही डिजॉल्व हो जाती है, बहुत बेहतरीन होती है। जिंक, बायोटिन, एलोवेरा, आप देखें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे ज़बरदस्त हैं कि इसके साथ ज़बरदस्त सा इफेक्ट आने वाला है। जिंक, बायोटिन की 10
अराउंड 10 टैबलेट्स अब मैं शामिल करूंगी। पूरा मैंने ली है जिंक की टैबलेट्स, इसका हम ये खुद ही डिजोल्व हो जाती है, इनके ऊपर ये शेल होता है क्योंकि लास्ट ये देखिए आप ये डिजोल्व होना शुरू हो गई, हल्का गर्म है, मैंने इसलिए इसको ऑन स्टोव पे नहीं डाला है ताकि इसकी एफिकेसी ख़त्म ना हो जाए। ज़बरदस्त सा जो है ये ऑयल रेडी होने वाला है और लास्ट में हम इसको डिजोल्व करने के बाद छान देंगे। आयोडीन तो खुद बहुत डिजोल्व हो गई, उसका शेल ऊपर का सेलुलोज का होता है, टेबलेट टेक्स टाइम लेकिन ये भी डिजोल्व हो जाती है। ऑलराइट, ये ऑयल अब ठंडा हो चुका है, अब इसको हम इस कपड़े में डाल के छान देंगे। हेयर ग्लॉस बनाने के लिए हम शामिल करेंगे हाफ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें हम शामिल करेंगे एक चम्मच फ्रेश एलोवेरा, हमने शामिल किया एक चम्मच फ्रेश एलोवेरा, इसको हम पका लेंगे अच्छी तरह, जब ये बॉयल होने लग जाएगा फिर इसमें हम शामिल करेंगे जिंक का सिरप और रोजमेरी ऑयल के 10 कतरे और सिरप जिंक के एक चम्मच। ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और एलोवेरा पकना शुरू हो गया है, पानी जैसे ही उबलने लग जाए आपने 10 ड्रॉप्स इसमें शामिल करने हैं रोजमेरी ऑयल के, और ये उन लड़कियों के लिए बेहतरीन है जिनका आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा है, ड्रायर का इस्तेमाल ज़्यादा है, कलर केमिकल्स रिबॉन्डिंग जिससे जिनके बाल ख़राब हो चुके हैं वो इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट आएगा। शावर लेने के बाद इसको लगा लीजिए। हेयर ग्लॉस नाम ही इसीलिए दिया गया है कि इससे हेयर में आपको कंडीशनिंग इफेक्ट आएगा, आपको लगेगा, और ये केराटिन खुद बखुद बूस्ट करता है क्योंकि रोजमेरी इटसेल्फ इज ए केराटिन बूस्टर, यानी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जब ये बॉयल हो जाएगा और मैं जब इसे ठंडा करने रखूँगी देन मैं इसमें शामिल करूँगी, जब मैं इसे ठंडा करने लगूँगी देन इसमें मैं शामिल करूँगी जिंक का एक चम्मच सिरप। मेरे पास इस वक्त ये मौजूद है, आप जिंक कैट ओडी भी दे सकते हैं या 10 टैबलेट्स आप जिंक की भी डाल सकते हैं। अब ये बॉयल होने के बाद ये इस शेप में आ गया है अच्छा खासा, और इसमें अब लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ एक चम्मच सिरप जिंक, इसको मिक्स करके आप स्प्रे बॉटल में फिल करके रख लीजिए, और जब भी आप शावर लेने के बाद शैम्पू के बाद या बिफोर यूजिंग हेयर ड्रायर केमिकल आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, बाल ख़राब हो गए हैं, एक्सेसिव डाई यूज़ करिए, उससे पहले आप ये लगा सकते हैं शैम्पू करने के बाद, और लगा के छोड़ दीजिए, लेट इट ड्राई, आपके बाल खुद बहुत ग्लॉसी भी होंगे, शाइनी भी होंगे और बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं वो वापस हेयर बॉन्ड्स ज्वाइन हो जाएंगे। ज़रूर इसे यूज़ कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। किस तरह बनाइए और इनसे आपको कितना फायदा हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, फॉलो करना नहीं भूलिए और जो है शेयर करना नहीं भूलिए ताकि आपके थॉट्स जो है वो दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। नोटिफिकेशन का आइकन जरूर जो है ऑन कर दीजिए ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियोज आने वाली हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह।